संस्कृत शिक्षा विभाग अजमेर संभाग स्तरीय छात्रा वर्ग क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय मांडल के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल विद्यालय के प्रांगण में मांडल विधायक रामलाल जाट के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता प्रभारी सुमन लता उपाध्याय ने बताया कि अजमेर संभाग की 35 टीम विभिन्न खेलों में भाग लेंगी। इस अवसर पर संस्कृत शिक्षा संभागीय अधिकारी शशिकांत शर्मा, विभागीय अधिकारी डॉ. केजी जांगिर, मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत, पीईओ विनोद कुमार शर्मा, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि लादूलाल पहाड़िया, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सत्यनारायण मंडोवरा, विकास सवाल का पूर्व सरपंच नारायण बिरला, राम प्रकाश बसे, राधेश्याम शर्मा, बनवारी लाल ओझा, अक्षय सारस्वत, पदम पाराशर उपस्थित रहे। उद्घाटन मैच वॉलीबॉल का विधायक द्वारा मुख्य निर्णायक संपत लाल जाट के द्वारा खजीना एम टोक की टीमों के मध्य करवाया गया। विधायक ने अपने उद्बोधन में प्रतियोगिताओं को खेल की महत्ता, खेल को खेल की भावना के साथ खेलने हेतु प्रेरित किया। बच्चों को जिंदा रखने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियों को इन चीजों से रूबरू कराने का काम सबसे ही कर सकती है, तो उसको जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हम कर्म कांड के रूप में ज्यादा ध्यान में लेने के हिसाब से करते हैं, जबकि हकीकत में एक जीवन का अंग है संस्कृत। इसको अगर ध्यान में लगभग 21 टीमें भाग ले रही है, उन टीमों को बधाई भी दूंगा, उन बच्चों को भी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करूंगा, क्योंकि आज स्कूलों के अंदर टूर्नामेंट पे, खेलकूद प्रतियोगिता पे पूरे देश आपके सामने से गुजर रहा है। नन्हे नन्हे बच्चे कदम से कदम मिलाते हुए भारत का ये भविष्य है, इन बच्चियों के लिए आप ताली बजाएं। कर देश का गौरव बनेगी, कोई फौज में जाएगी, कोई फाइटर प्लेन उड़ाएगी। आज से हमारी जो बच्ची है बहुत नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। ओलंपिक के अंदर भी जितने भी मेडल जीते हैं, सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली छात्राएं थी। भारत की बेटी